नमस्कार, आप सभी लोगों का मानवता रक्षा एवं विकास संगठन में स्वागत है। मेरा नाम पंकज है। आज सोचा कि मानवता रक्षा एवं विकास संगठन के बारे में थोड़ा सा आप सभी लोगों को ब्रीफ कर दूं, क्योंकि काफी टाइम से हम लोग अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर आप लोगों के साथ जुड़े हैं। देखिए, ये जो संगठन है, इसका जो मेन उद्देश्य है, सबसे पहले आपको वो थोड़ा बता देता हूँ। हमारे संगठन मानवता रक्षा एवं विकास संगठन, MRVS शॉर्ट फॉर्म से हम बोलते हैं, और हमारा उद्देश्य है कि हमारे देश, हमारे समाज के भीतर कहीं भी किसी भी तरह का जो भी गलत काम हो रहा है या जो भी बुराई है, हम उसके खिलाफ आवाज उठाएं और उसे रोकने और कम करने की कोशिश करें। और साथ ही साथ केवल हम ना करें, हम अपने उद्देश्य में ये भी लेके चलते हैं कि हम अपने देश और समाज के लोगों को भी जागरूक करें और उन्हें भी इस काबिल बनाएं कि अगर उनके आसपास कहीं भी किसी भी तरह की कोई बुराई है, कोई गलत काम हो रहा है, तो वो उसके लिए बोले निडर होकर। जैसे कि आपने हमारे अभी तक के सभी मैसेज के नीचे एक टैगलाइन देखी होगी, वो टैगलाइन कहीं ना कहीं हमारे उद्देश्य को ही दिखाती है वहां पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं बात करता हूँ, जो हमारा सबसे पहला मुद्दा है बलात्कार, अगर जब भी हम उसके बारे में मैसेज डालते हैं तो उसके नीचे, सबसे नीचे एक हमारे यहाँ पे एक लाइन लिखी होती है, चलो खड़े हो जाओ। इट मीन्स कि हम खुद तो कर ही रहे हैं, लेकिन देखिए, कोई भी संगठन लिमिटेड लोगों से होता है, लेकिन अगर आप पूरे देश के लोगों या समाज को अपने साथ जोड़ लो तो आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। तो हमारे उस मैसेज में ये लिखा होता है कि चलो खड़े हो जाओ, बोलो। सबसे पहले तो हम समाज के लोगों को बोल रहे हैं कि उठ खड़े हो जाओ, फिर हम बोल रहे हैं कि बोलो, और निडर होकर, मतलब साहसी बनकर, बिना किसी डर और भय के निडर होकर कहीं भी कभी भी सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप, कलेक्टिव वॉइस, यहाँ पे हमने ये इसलिए यूज किया है कि अगर एक इंसान कहीं किसी चीज को बोल रहा है और उसके साथ 2, 3, 4 या 10 लोग बोल रहे हैं, तो एक कलेक्टिव वॉइस जब जाती है तो उसका ज्यादा असर होता है, प्रभाव होता है। तो हम बोलते हैं चलो खड़े हो जाओ, बोलो, और निडर होकर कहीं भी कभी भी सामूहिक रूप से बलात्कार के खिलाफ आवाज उठाओ। पहली चीज कि हम उसके लिए हम आवाज उठाएं, खुद भी और समाज के लोग भी मिलके आवाज उठाओ और काम करो। आवाज तो उठानी ही है हमें, साथ में काम भी करना है। तो ये हमारे हर मैसेज के नीचे हम ये लाइनें लिखते हैं, ये हमारे उद्देश्य को दर्शाता है। फिर हमारे एक उद्देश्य का एक हिस्सा और है, जिसमें हम चाहते हैं कि हमारे देश, हमारे समाज के भीतर जितने भी परिवार हैं, फैमिलीज हैं, उन परिवारों के अंदर कम से कम एक सदस्य हमारे संगठन का जरूर जुड़ा हो, मानवता रक्षा एवं विकास संगठन, MRVS का। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, हम परिवार, किसी भी परिवार के अंदर या परिवार से बाहर भी हम हर तरह की गलत कामों और बुराइयों को कम करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हर परिवार के अंदर अगर हमारे संगठन मानवता रक्षा एवं विकास संगठन, MRVS का एक सदस्य है, तो कम से कम वो अपने घर के भीतर अगर किसी भी तरह के गलत काम हो रहे हैं, कोई बुराई है, ठीक है, तो वो हम उसे जागरूक करें। कम से कम एक सदस्य उस परिवार में है गलत चीज के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। और साथ ही साथ अपने ही परिवार नहीं, अपने परिवार के बाहर भी, अपने गली मोहल्ले में, अपने शहर कस्बे में अगर कोई किसी तरह का गलत काम दिख रहा है तो उसके लिए आवाज उठाएं और काम करें। हमारा संगठन का ये उद्देश्य रखना या होना भी, इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है।
वो आप लोगों को थोड़ा आज ब्रीफ करता हूँ। देखिए, आज पूरे समाज में हर जगह जो बुराई है, बुरे लोग हैं, गलत काम करने वाले लोग हैं, वो समाज में जो अच्छाई है, अच्छे लोग हैं, अच्छे काम करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर हावी है। मतलब हर जगह आप कहीं पर भी चले जाइए, बुराई और बुरे लोग आपके सर पे, समाज के अच्छे लोगों की अच्छाई के सर पे तांडव कर रहे हैं। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या उनके अंदर इतनी काबिलियत है कि वो ऐसा कर सके? नहीं, दरअसल उन्हें ये काबिलियत देते हैं हम अच्छे लोग। सवाल ये कि हम ऐसा कैसे करते हैं? देखिए, जो समाज के अच्छे लोग हैं, अच्छे कर्म करने वाले लोग हैं, वो ज्यादातर क्या करते हैं? वो हमेशा चुप रहते हैं, हमेशा चुप रहते हैं। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े अपराध को देखते हुए भी, सुनते हुए भी, जानते हुए भी चुप रहते हैं। और हम लोगों की यही चुप्पी, हम लोगों की यही चुप्पी उन बुरे कर्म करने वालों और बुराइयों को बढ़ावा देती है, तो उन्हें हिम्मत देती है और उन्हें काबिल बनाती है कि वो हमारे ऊपर तांडव कर सके। तो हम अपने संगठन के भीतर, हम अपने संगठन से बाहर भी समाज के लोगों में एक जज्बा भर देना चाहते हैं कि हम कहीं भी किसी भी गलत काम को, गलत कार्य को देखते हुए, सुनते हुए या जानते हुए उसे नजरअंदाज नहीं करेंगे, उसके लिए बोलेंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। हम सब लोग अक्सर देखते हैं सिनेमा में, पिक्चर्स में भी देखते हैं, रियल लाइफ में भी देखते हैं कि अगर कहीं किसी सड़क पर किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया तो कोई रुकता नहीं है, वो बेचारा वहां पे, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो रुक के उसकी मदद करते हैं, उसे अस्पताल लेके जाते हो। या अगर सड़क पर दो लोगों की लड़ाई हो रही है, मारपीट हो रही है, तो कोई भी लोग उनके बीच में नहीं पड़ना चाहता उनकी मदद करने के लिए, उन्हें सुलझाने के लिए। या अगर कोई हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ रहे हो, हस्बैंड अपनी वाइफ को पीट रहा हो, तो बहुत कम लोग उनके बीच में जाना चाहते हैं उन्हें छुड़ाने के लिए। बहुत सारे छोटे बड़े कस्बों शहरों में तो लोग खुलेआम सड़क पर किसी को चाकू मारकर मर्डर कर देते हैं, किसी को गोली मारकर मर्डर कर देते हैं, किसी को पीट पीट कर मर्डर करते देते हैं। ज्यादातर केसेज में क्या होता है कि जो भी आम नागरिक हैं, अच्छे लोग हैं, हम लोग हैं, हम उसके आसपास भीड़ बना के केवल मूक दर्शक की तरह देखते रहते हैं। अंदर से सोचते हैं कि उस गलत काम के लिए आवाज उठाएं और उसे रोकने की कोशिश करें, लेकिन शायद ज्यादातर लोगों के पास हिम्मत नहीं होती, वो हिम्मत नहीं जुटा पाते। तो हम ऐसे ही अपने संगठन के माध्यम से सभी लोगों के अंदर एक जज्बा, एक हिम्मत भर देना चाहते हैं कि अगर कभी भी आपके पास, आपके परिवार में, परिवार से बाहर कभी भी ऐसा कुछ हो, तो आप किसी भी गलत काम को सहन ना करें, क्योंकि अपराध करने से ज्यादा बड़ा अपराधी होता है अपराध सहने वाला, चुपचाप। जी, तो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया कि हमारे संगठन का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। अब इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि हम क्या है संगठन, जैसे आप देखते हैं समाज में बहुत सारे संगठन होते हैं, धार्मिक संगठन होते हैं, कुछ कुछ सामाजिक संगठन होते हैं एंड कुछ राजनीतिक संगठन होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो ये संगठन है, ये एक धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक संगठनों का मिश्रण है। ना ही हम केवल धार्मिक संगठन है, ना ही केवल सामाजिक संगठन है, ना ही केवल राजनीतिक संगठन है, हम तीनों का एक मिश्रण है। अभी जैसे पिछले लगभग हम कई महीने से काम कर रहे हैं, तो हमारे बहुत सारे साथियों ने हमें सुझाव दिए कि भाई हम धार्मिक मुद्दों पर ना बोलें, धार्मिक मुद्दों पर काम ना करें, केवल सामाजिक मुद्दों पर कर लें और राजनीतिक मुद्दों पर कर लें। तो अब मैं आप सबको इस पे थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि
हमारा मानना है और हमारा संगठन का मानना है कि आज हमारे देश भारतवर्ष में और हमारे समाज में सबसे ज्यादा जो कमियां हैं, गलत काम हैं, बुराइयां हैं, वो या तो हमारी जाति धर्मों के भीतर हैं या फिर उनकी वजह से हैं। तो जब हम समाज में कुछ सुधार करने के लिए निकले हैं, समाज के लोगों की सेवा करने के लिए निकले हैं, तो हम जाति और धर्मों को भी छुएंगे। किसी भी जाति और धर्म के भीतर किसी भी तरह की जो भी कमियां हैं, बुराइयां हैं, गलत प्रथाएं हैं, हम उनके लिए भी बोलेंगे, काम करेंगे। दूसरा, देखिए, ज्यादातर बहुत सारे संगठन समाज में हैं, ऑलरेडी चल रहे हैं, तो उनमें और हम में डिफरेंस क्या है, या हम भी उसी भीड़ का हिस्सा हैं जैसे कुछ लोगों ने हमें बोला। मैं आपको यहाँ पे इसके बारे में बताना चाहता हूँ। ज्यादातर संगठन क्या होते हैं कि वो केवल एक उद्देश्य के साथ आते हैं कि मैं एक एनजीओ हूँ या मैं एक सामाजिक संगठन हूँ, मुझे ये काम करना है, मैं एक राजनीतिक संगठन हूँ, मुझे राजनीति करनी है, एक्सेट्रा। बहुत ही कम संगठन ऐसे होते हैं जो एक अच्छी विचारधारा के साथ आते हैं। ज्यादातर संगठन बिना किसी विचारधारा के चलते हैं, और विचारधारा के साथ चलना बहुत अच्छा भी है, लेकिन बहुत मुश्किल भी है, बहुत कठिन भी है। तो हम में और बाकी संगठनों में ये डिफरेंस है कि हम लोगों का जो ये संगठन है, ये एक ध्यान से उपजा संगठन है, और हमारी जो विचारधारा है वो भी एक ध्यान से उपजी विचारधारा है। क्योंकि मैं खुद से पिछले लगभग 3 साल से रेगुलर रेगुलर ध्यान के साथ जुड़ा हूँ। मैंने किसी साधु गुरु बाबा को अपना गुरु नहीं बनाया है, बट जब बहुत शुरुआत में मैंने ध्यान के बारे में सुना तो मुझे उसके बारे में उत्सुकता हुई। पिछले 3 साल में मैंने ध्यान के बारे में बहुत अलग अलग लोगों से बातचीत करी, उनकी राय ली, उनसे जाना समझा, ध्यान के बारे में बहुत पढ़ा, बहुत रिसर्च करी, और अलग अलग तरीके जितने भी मुझे पता चले वो प्रैक्टिस किए, सेल्फ एक्सपीरियंस किया मैंने। और फिर मैं काफी कुछ उसके बारे में जान पाया, और शायद मेरी मेहनत थोड़ी रंग भी लाई, और ईश्वर के आशीर्वाद से इस ध्यान के माध्यम से मुझे कई बार बहुत अच्छे अनुभव प्राप्त हुए। कुछ ऐसे अनुभव जो शायद मैं आप लोगों के साथ शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं, जो केवल खुद से ही एक्सपीरियंस करने वाले होते हैं। तो काफी टाइम तक जब मैं ध्यान के साथ जुड़ा रहा, और उसके बाद मुझे कई बार ये उत्सुकता हुई कि मैं इस ध्यान को, इस ध्यान की विचारधारा को, इसके जो इतने अच्छे आनंदमयी जो इसके अनुभव हैं, इसे समाज के बाकी सभी लोगों के साथ शेयर करूं। तब मैंने उस ईश्वर के आशीर्वाद से इस संगठन को शुरू करने के बारे में सोचा, और शुरुआत में अकेले चला, फिर धीरे धीरे आप सभी साथी लोग हमारे साथ जुड़े। अब हमारी ये विचारधारा क्या कहती है, या हम किन मुद्दों पर या क्या काम करना चाहते हैं? देखिए, हमारे समाज में बहुत सारे छोटे बड़ी ऐसी समस्याएं, ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हमारी ना ही सरकारें देखती हैं, काम करती है, बात करती है, ना ही हमारे समाज के लोग, ना हमारे परिवार के लोग, ना हमारे माता-पिता। तो हम यहाँ पे उन्हीं मुद्दों को छूने, उन पर काम करने के लिए आए हैं। जैसे इसके बारे में मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूं।
देश की राजधानी दिल्ली में 2012 में पॉलीथीन बैन की थी कांग्रेस की और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी ने। 2015 में आम आदमी पार्टी सरकार की जो केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं यहाँ पे, इन्होंने पॉलीथीन बैन करी। और 2017 में एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने पॉलीथीन बैन करी। लेकिन आज 2019 में भी दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली के हर कोने में हर जगह पॉलीथीन का उपयोग है, हर जगह आपको मिल जाएगी। ये बताने का मेरा बस कारण ये है कि हमारे देश में ज्यादातर विकास के कार्य सभी सरकारों के केवल ऑन पेपर और मीडिया तक ही सीमित है, जमीनी स्तर पे नहीं हो पाते हैं। तो हमें उसी गैप को भरना है, हमें इंसानियत के लिए काम करना है, समाज समाज के लोगों के लिए काम करना है, और इस तरह की जो कमियां हैं उनके लिए आवाज उठानी है और काम करना है। जनता को भी जागरूक करना है, साथ ही साथ सरकारों को भी जागरूक करना है, इन्फ्लुएंस करना है। और एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे रिसेंटली बिहार के पटना शहर में बारिश आने की वजह से बाढ़ आ गई, जबकि और उसमें लगभग 75 लोग मरे। जबकि बिहार का जो पटना शहर है वो कोई ऐसा शहर नहीं है कि जहाँ पे बाढ़ आ जाए भाई, ना जैसे वो पहाड़ी क्षेत्र है, ना ही वो कोई झील और समुद्रों से घिरा हुआ ऐसा क्षेत्र है। तो प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारी सरकारों के जो काम है जमीनी स्तर पर, पटना का जो ड्रेनेज सिस्टम है, नाली और नालियों का जो वहाँ पे प्रबंधन है वो बहुत खराब है। और वो केवल वहाँ नहीं, वो हर जगह की यही हालत है। अभी कुछ दिन पहले हमारे दिल्ली में भी, हमारे एरिया कालका जी में, हमने यहाँ पे एक अपने लोकेलिटी की एक वीडियो शूट करके यहाँ के लोकल विधायक जी तक भी पहुँचाई थी, दिखाया था कि देश की राजधानी दिल्ली में भी यह हाल है कि अगर 5 मिनट भी केवल बारिश हो जाए तो वही जो नाले जिन्हें सड़क और गलियों का पानी सोख के बाहर लेके जाना चाहिए, वो ऐसा ना करके उल्टा सड़क और गलियों पे पानी उगलना शुरू कर देते हैं। ये मुद्दे हैं। साथ ही साथ बहुत सारे धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे हैं हमारे समाज में जिन पर बहुत काम करने की जरूरत है। जैसे भी पिछले कुछ महीनों के भीतर हमने अभी तक लगभग 15 मुद्दों पर आवाज उठाई है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, और अभी धीरे धीरे हमने जमीनी स्तर पर भी काम करना शुरू किया है। उन 15 मुद्दों के अंदर अगर मैं आपको अपने लेवल पे बताऊं तो मैंने खुद से अपने पर्सनल लेवल पे लगभग 500+ ऐसे मुद्दों की लिस्ट तैयार की है जिन पे वाकई ही देश की सरकार, देश की जनता और हर इंसान को, हर नागरिक को काम करने की जरूरत है, जो हमारे देश को, हमारे समाज को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे जो 15 मुद्दे मैंने आपको बताए, मैं उन्हें थोड़ा ब्रीफ करूंगा। जैसे सबसे पहला मुद्दा बलात्कार का मुद्दा है। देश में हर 14 मिनट में एक बलात्कार हो रहा है। दूसरा मुद्दा है घरेलू हिंसा। समाज में हर दूसरे तीसरे घर के अंदर ये हालत है कि वहाँ किसी न किसी औरत को या तो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। तीसरा मुद्दा है जाति। ये जो जाति प्रथा है हमारे समाज में, इसने हमारे समाज को पूरा बांट के रखा हुआ है। ये आपस में लोगों को ऐसे नहीं रखता है, ऐसे रखता है, अलग अलग बांट के। जातिगत आरक्षण, हम सभी को पता है, देश की सरकारों को, जनता को पता है कि जातिगत आरक्षण देश में एक बुराई बन चुका है। इस जातिगत आरक्षण को हटा के हमें आर्थिक स्थिति के हिसाब से आरक्षण लेके आना चाहिए इस देश के अंदर। धार्मिक घृणा और भेदभाव आप ले लीजिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में प्यार और सद्भाव खत्म हो गया है समाज के भीतर। एक दूसरे के प्रति घृणा और भेदभाव, ईर्ष्या, द्वेष है। सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज आप कर लीजिए। जलवायु परिवर्तन आज दुनिया भर के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, ये भी हमारे 15 मुद्दों में से एक है। अभी आप भ्रूण हत्या ले लीजिए, आप अबोर्शन ले लीजिए। इस तरह के लगभग 15 मुद्दों पर हमने अभी तक आवाज उठाई है। और जमीनी स्तर पर आजकल हम लोग अपने जो
सबसे पहला मुद्दा है बलात्कार, हम उस पर काम कर रहे हैं क्योंकि हमारा सबसे पहला फोकस है समाज के भीतर जो महिलाओं की स्थिति है उसे थोड़ा सा सुधार करना। ये रहा कि हम किन मुद्दों पर काम करना चाहते हैं उसके बारे में थोड़ा मैंने आपको ब्रीफ किया। अभी एक सवाल और बहुत कुछ साथियों ने हमसे पहले पूछा और दिमाग में आता है लोगों के कि क्या हम राजनीति संगठन हैं या राजनीति में जाएंगे। तो हाँ बेशक हमें इसमें छिपाने वाली बात नहीं है कि हम लोग धार्मिक सामाजिक और राजनीतिक संगठन का एक मिश्रण है और भविष्य में हमारा जो संगठन होगा बेशक वो एक राजनीतिक संगठन होगा क्योंकि हमारा मानना ये है कि आप सिस्टम के अंदर पहुंच के जाकर समाज के लिए बहुत अच्छे से काम कर सकते हो, बहुत सुधार कर सकते हो। फिर एक और कुछ हमारे साथी कहते हैं कि भाई हम लोग एनजीओ हैं तो हम एनजीओ की तरह काम करें, लोगों की सेवा करें, यमुना की सफाई करें, गलियां साफ करें, नाले साफ करें एटसेट्रा। तो मैं अपने सभी साथियों को आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पहले तो हम एक नॉर्मल एनजीओ नहीं है, हम एक धार्मिक सामाजिक और राजनीतिक संगठन का मिश्रण है और इन फ्यूचर हमारे संगठन का प्रारूप बिल्कुल एक राजनीतिक संगठन होगा, पहली चीज। दूसरी, हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है देश की सरकारों को, राजनेताओं को, प्रशासन को, प्रशासनिक अधिकारियों को सिस्टम के बाहर रह के सिस्टम के अंदर रह के इन्फ्लुएंस करना है कि वो अपनी अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाएं। बेशक हम लोग समाज सुधार के लिए आए हैं, हम लोग समाज सेवा के लिए भी आए हैं और हम लोग यमुना सफाई, नालों की सफाई, गलियों की सफाई करने में हमें भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन पहले हम ये करना चाहते हैं कि अगर कोई भी एरिया है, सपोज कीजिए कि कालका जी न्यू दिल्ली एरिया है या कोई भी आप ले लीजिए, या लक्ष्मी नगर है या तिलक नगर है एटसेट्रा, कोई भी एरिया है, तो वहां अगर गंदगी है तो पहले हम ये काम करना चाहते हैं कि हम वहां की म्यूनसिपैलिटी को, जो वहां की नगर पालिका है, वहां के जो निगम पार्षद है, उन्हें इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं कि भाई ये आपका क्षेत्र है, आपकी जिम्मेदारी है, यू आर अपॉइंटेड टू डू दैट वर्क, यू आर गेटिंग पेड फॉर इट एंड दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप द सिटी क्लीन। और इसके साथ साथ हम लोग अपने एफर्ट डाल के उसमें खुद भी अपनी मेहनत करके उसे साफ कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल ये मैंने अपनी तरफ से कोशिश की आप लोगों को थोड़ा संगठन के बारे में बताने की, उसके उद्देश्य के बारे में बताने की, मुद्दों के बारे में बताने की। शायद इससे कुछ आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस, डाउट्स होंगे वो क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी आप में से किसी के पास भी कोई सवाल हो, सुझाव हो, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नमस्कार, आप सभी लोगों का हमारे संगठन मानवता रक्षा एवं विकास संगठन MRVS में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।